हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 10 चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइस, बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। एंड यस, अगर आपको टॉपिक पसंद आए सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों के गैमिट्स फ्यूज होते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, एक जायगोट। ओके, दिस इज फीमेल एंड दिस इज अ मेल। आगे क्या होता है, इसमें क्या बोल रहा है बुक में, वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। बोल रहा है कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन का वो मोड जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और एक नई जनरेशन पैदा करते हैं। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। बोल रहा है बुल्स जो हैं वो अकेले बछड़े पैदा नहीं कर सकती और ना ही कोई हैन अकेले अपने बच्चे पैदा कर सकती हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इन केसेस में मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है नई जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बोल रहे हैं ये जो सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्यूज होते हैं, इसका फायदा क्या है। सो गाइज, उसका आंसर यहाँ बताया हुआ है मैंने, दैट पहला फायदा तो ये है कि ये वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं प्रोजेनी में। पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनकी संतानें आती हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं इसकी मदद से। वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ वेरिएशंस क्या होती हैं। वेरिएशन का मतलब होता है गाइस, जो आपके माता पिता से आपके अंदर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, वेरिएशंस। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी अंतर आया वो क्या कहलाया, वेरिएशन। इसी तरह से धीरे 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 करके आगे आने वाली पीढ़ियों में वेरिएशंस आते जाएंगे, और अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो वो आगे आने वाली पीढ़ी उस एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन रिमूव कर देता है अनवांटेड जीन को एंड लोअर द रिस्क ऑफ गेटिंग एनी डिसीज। वेरिएशन की वजह से अगर माता पिता में कोई डिसीज थी तो उस डिसीज के जो भी डीएनए हैं उसको कट करेगा एंड उसकी जीन्स को कट करेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अनवांटेड जीन थे वो हट जाएंगे और वो डिसीजेस खत्म हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मतलब इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो नई वेरिएशन है वो सर्वाइव करने में मदद करेगी नई स्पीशीज को चेंजिंग एनवायरमेंट में। ओके, आगे बोल रहा है, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप इससे पहले पढ़कर आए हैं उसकी लिमिटेशंस पूछ रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या लिमिटेशंस थी। सो लिमिटेशंस क्या थी कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी हो सकती है, मतलब वेरिएशंस कम हो सकते हैं। ओके, एंड अनेबल टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। कम वेरिएशंस की वजह से जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, जो अब आने वाली प्रोजेनी है वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रहे। ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, मतलब भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक प्रोजेनी ही अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती है। सो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। वंस चेंज कैन एलिमिनेट एन एंटायर स्पीशीज। अगर कोई एक डिसीज लग गई किसी एक स्पीशीज में, किसी एक इंडिविजुअल में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पूरी स्पीशीज है वो ही वहाँ की खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हाई, पढ़ते हैं इसको। एंड गाइस, इसमें मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, एक ही चीज़ को समझाने के लिए चार चार बार बोला है। सो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपर्चर। बोल रहा है एक नई सेल बनने के लिए, लाइक एज ये क्या है, एक नई सेल है। सो इस नई सेल बनने के लिए क्या होता है, कॉपी होती है डीएनए की, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। सो इस डीएनए की कॉपी होती है और साथ साथ सेल के जो एपरेचर है उसकी भी कॉपी होती है। ओके, एंड क्या बोल रहा है आगे, द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। डीएनए कॉपी की जो मैकेनिज्म है, जो हम नोटिस करते हैं, वो टोटली एक्यूरेट नहीं होती। मतलब एक ये जो डीएनए कॉपी हुआ, इस डीएनए कॉपी की प्रोसेस टोटली बिल्कुल सेम नहीं होगी, टोटली एक्यूरेट नहीं होगी।
ओके, एंड द रिजल्टेंट एरर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, और इसके जो एरर्स आएंगे वो एरर क्या होंगे उसी को हम वेरिएशन कहेंगे. ओके, वेरिएशन हो रहा है मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन आ गया. किस वजह से? जो डीएनए की कॉपी हुई है वो टोटली एक्यूरेट नहीं हुई, इस वजह से. ओके, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन. बोल रहा है हर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको आप एक जो वेरिएशंस आ रही हैं उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज. और दूसरी साइड ये कह रहा है कि एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जो वेरिएशन है वो यूजफुल भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं. इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड. बोल रहा है कि हम अगर ये ऐसा सोचें कि वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो वेरिएशंस बना रहा है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बना रहा है. सो व्हाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट. अब इसने ये बोल दिया, ठीक है, अब बोल रहा है कि हम ये जान रहे हैं कि डीएनए कॉपी जो हो रहा है वो टोटली एक्यूरेट नहीं हो रहा. एंड दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस. और जो वेरिएशन आ रही हैं डीएनए कॉपी में चेंज हो रहा है उससे जो वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही, ये वेरिएशन स्लोली होती हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस है वेरिएशन का. ओके, एंड इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डी एन ए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर एपरेचर्स एंड वुड डाई. यहाँ ऊपर कह रहा था कि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आए तो क्या होगा, है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ सकती हैं. अब यहाँ पर बोल रहा है इसी लाइन में कि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए, डी एन ए कॉपी बिल्कुल भी मैच ना हो, इट मीन्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए, तो क्या होगा, जो सेल का एपरेचर है वो वर्क ही नहीं करेगा अपना और सेल डाई हो जाएगी, सेल ही खत्म हो जाएगी. सो हाउ कैन द प्रोसेस मेकिंग वेरिएशन बी स्पीडेड अप. तो अब वेरिएशंस को तेजी से कैसे कर सकते हैं ये पूछ रहा है. ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस एक्युमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन. बोल रहा है हर जो नई जनरेशन है डीएनए की कॉपी बन रही है नई जनरेशन में, तो उस डीएनए की जो कॉपी है उसके अंदर पहले से ही वेरिएशन प्रेजेंट है अपने मदर एंड फादर से. ओके, दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्युमुलेटेड वेरिएशन. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं पॉपुलेशन में, जो दो डिफरेंट लोग हैं, वो दोनों डिफरेंट लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस एक्युमुलेट करते हैं अपने अंदर. सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स इट इज अश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट. अब बोल रहा है जो वेरिएशंस हो रही हैं इंडिविजुअल्स में उस वेरिएशन का बोल रहा है कोई बैड इफेक्ट नहीं है. ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल. जो नई कॉम्बिनेशन, एक मिनट, नो बैड इफेक्ट कहाँ गया, नो बैड इफेक्ट. कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन. जो कंबाइनिंग वेरिएशन बन रहे हैं दो इंडिविजुअल से, दो इंडिविजुअल हैं, इन दोनों इंडिविजुअल के मिलने से क्या बना, एक नई स्पीशीज बनी, और इस नई स्पीशीज में क्या हो रहा है, डिफरेंट नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. ओके, एंड ये नए कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हमेशा न्यू होंगे. सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल. जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुए थे, दो इंडिविजुअल, ये दोनों इन्वॉल्व हुए हैं. द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो ये बोल रहा है ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल मिले और इसमें क्या हुआ, डीएनए कॉपी हुआ, जो इनके अंदर डीएनए था वो डीएनए भी कॉपी हुआ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी. ओके, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बोल रहा है ये जो प्रोसेस है ये मेजर डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है अगर नई जनरेशन टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एक्सिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड. बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की बात इसने कही है गाइस. ये बोल रहा है अगर जो नई जनरेशन बनी, जैसे ये नई जनरेशन बनी है
इस जनरेशन में टोटली अपने पेरेंट्स की कॉपी हो। जैसे पेरेंट्स के अंदर कितने जीन होंगे, इस पेरेंट के अंदर होंगे अपने 46 क्रोमोसोम एंड इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। ये मेल है, एक फीमेल है ना। तो बोल रहा है अगर इनके अंदर टोटली टोटली डीएनए की कॉपी आ जाए तब क्या होगा, हर जो नई जनरेशन बन रही है उसके अंदर ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। मतलब इसका भी डीएनए, इसका भी डीएनए, 46 + 46 हो जाएगा, इतना डीएनए होगा। मतलब कितना डीएनए हो जाएगा, 92, इतना डीएनए होगा। और ऐसी सेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती गाइज। सो क्या बोल रहा है, एंड दिस इज लाइकली टू मैश अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेचर बाय द डीएनए। इसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर एपरेचर का टोटली मैशअप हो जाएगा। एंड बिसाइड इफ ईच जनरेशन डबल इट्स डीएनए फेयरली सून दे विल बी एंड अप डीएनए ऑन अर्थ। बोल रहा है कि अगर इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन डबल होता रहा, मतलब 92 बना, अब 92 92 वाले आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे जनरेशन बनेगी। तो बोल रहा है इसी टाइप से अगर रिप्रोड्यूस होता रहे ऐसे ही डीएनए अर्थ पर तो क्या होगा, देयर विल बी नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स एंड दी डीएनए ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पर सिर्फ डीएनए ही डीएनए होगा और किसी चीज के लिए अर्थ पर जगह ही नहीं होगी। सो हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आपसे प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या होगा। गाइज आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी आगे आएगा भी कि इस प्रोसेस का जो ये डिफिकल्टी है इसका आंसर क्या है। ओके सो देखते हैं, अभी आपको मैं बता दूंगी, अभी आगे आएगा। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स दी स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज। बोल रहा है जैसे जैसे टिश्यूज का स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन अबव इज टू हैव स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन व्हिच हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू दी नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल। ये इतना लंबा चौड़ा जो इसने बोला इसमें इसी का आंसर दिया है। आपका ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर यहाँ पर दे दिया। बोल रहा है एक सॉल्यूशन ये है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं और जो ऊपर एबव प्रोसेस दिया था उसमें क्या हो, स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स बन जाए। एंड स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको हाफ कर देंगे एंड हाफ क्रोमोसोम का नंबर होने से डीएनए का जो अमाउंट है वो भी हाफ हो जाएगा कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल। कैसे होगा गाइस, देखिए इसी प्रोसेस को यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, इन दोनों से जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो हाफ हाफ क्रोमोसोम आएंगे, हाफ गैमेट, ठीक है। जब ये हाफ हाफ गैमेट रिप्रोड्यूस करेंगे आपस में फ्यूज होंगे तब जो जायगोट बनेगा, इसे क्या कहा जाएगा, जायगोट। तब जो जायगोट बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, टोटल क्रोमोसोम जितने इसकी मदर सेल में थे और जितने इसके फादर सेल में थे, कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे, 46 46 थे दोनों के पास। जब इनके गैमिट जब इनके गैमिट पहुंचे तब इनके गैमिट कैसे पहुंचेंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर आएंगे। ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ओके, एंड ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिलकर क्या बना देंगे, डिप्लॉइड, ओके। सो ये प्रोसेस इसका आंसर सॉल्व हो गया। उसने यही बताया है कि स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स डेवलप हों, स्पेशल सेल्स डेवलप हों जिससे कि क्या हो, मियोसिस हो। इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गाइज ये मियोसिस, व्हाट इज मियोसिस, इसके बारे में आएगा आगे, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वहां पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आप अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग से भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी, ओके। सो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब बोल रहा है दस व्हेन दीज जर्म सेल्स फॉर्म टू इंडिविजुअल्स कंबाइनिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इट इज री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बोल रहा है जब ये दोनों जर्म सेल्स एक दूसरे के साथ आ रही हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं तब क्या हो रहा है, उसके बाद री एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है क्रोमोसोम्स के नंबर का। मतलब जितने क्रोमोसोम्स के नंबर पहले थे उतने ही क्रोमोसोम्स के नंबर अब है, री एस्टेब्लिश हो गए टोटली वही क्रोमोसोम्स के नंबर, ओके। आगे बोल रहा है इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन
मतलब ये जो जायगोट बना है, ये जायगोट को डेवलप होना है और ग्रो होना है एक ऑर्गेनिज्म में। ओके, ये जायगोट डेवलप होगा और एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तब क्या होगा, इसके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होंगे, स्पेशल ऑर्गन्स होंगे, एंड देन इट हैव टू सफिशियंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर दिस, फॉर डूइंग दिस। इस जायगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। टोटली बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि उसे स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स बनाने हैं। सो क्या होगा, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे इवन बी सिमिलर। अब यहाँ पर एक अलग से एक प्रोसेस ऐड कर रहा है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया है उसने, सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो इनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल ऑल्सो स्पेशलाइज। बोल रहे जैसे जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, मतलब बॉडी की डिजाइन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई, तो क्या होगा, जर्म सेल्स जो हैं वो और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। ये जर्म सेल्स हैं फीमेल और मेल की, जर्म सेल्स गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, तो ये जो जर्म सेल्स हैं वो और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। एंड वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल दी अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। बोल रहा है जो एक जर्म सेल होगी वो कैसी होगी, देखिए जो एक जर्म सेल है स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल, वो होगी फादर की, स्मॉल एंड मोटाइल, ये होती है फादर की जर्म सेल, ठीक है। एंड दूसरी जो जर्म सेल है वो है मदर की, लार्ज एंड कंटेन फूड, ये होती है लार्ज और फूड कंटेन करती है ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इससे अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड कन्वेंशनली दी मोटाइल जर्म सेल्स इज कॉल्ड दी मेल गैमिट, बता दिया हमने इसे मेल गैमिट कहा। एंड दी जर्म सेल जिसके पास फूड है उसे फीमेल गैमिट कहा। वी शैल सी दी नेक्स्ट फ्यू सेक्शन हाउ दी नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स गिव राइज टू डिफरेंस इन दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोल रहे हैं अब हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि ये कैसे डेवलप होते हैं एंड मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइस। ओके, बाय बाय।